Hello, G. Welcome back to our channel. Happy Diwali to you all and your family. आज का दिन काफी धमाकेदार रहा. So मैंने shopping करी, सब कुछ आज ही करी क्योंकि content बनाने में इतना busy था कि time ही नहीं मिला shopping करने जाने का. और finally अब मैं गया shopping करने. Shopping करके आया. Shopping. देख रही है. This is not a vlog. It's a message for all of you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली है. So, हम लोग इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट क्यों ना करें. बेसिकली फटाके ना फोड़ें. ठीक है. सो क्यों ना फोड़ें उसका रीज़न मैं बता देता हूँ. कुछ कल परसों जब फटाके फूट रहे थे तो मेरा डॉग लिटरली कांप रहा था क्योंकि डॉग्स की सुनने की क्षमता इंसानों से 13 गुना ज़्यादा होती है. सो वो ईजिली सेंस कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी. वो डर रहा था और इधर उधर भाग रहा था और रो रहा था. सो मैंने कल रियलाइज़ किया और मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इंडिया में दिवाली के दिन जो एनिमल्स का जो डेथ परसेंटेज है उस दिन सबसे ज़्यादा होता है. उस दिन सबसे ज़्यादा एनिमल्स मरते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. बिकॉज ऑफ जो बर्ड्स होती हैं वो रॉकेट्स के थ्रू और जो भी आतिशबाजी होती है उसके थ्रू. इससे बेटर हम लोगों से मिल के इंटरेक्ट करके उन्हें खुश करके भी हम दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं ना कि हम फटाके फोड़ के. क्योंकि क्रैकर्स इज द कॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड द डेथ ऑफ एनिमल्स. और जिनके डॉग्स हैं के लिए एक सजेशन है. अगर आपका डॉग डरे आप दो चीज़ें कर सकते हो. फर्स्ट टीवी चालू करके उसकी वॉल्यूम बढ़ा दो ताकि उसके कान में दूसरी आवाज़ आने से पहले आपकी टीवी की आवाज़ आएगी तो वो. सेकेंड ये जो फ्लावर्स होते हैं और जो खुशबूदार चीज़ें होती हैं उससे आपके पेट का जो डॉग होता है बेसिकली उनका दिमाग डाइवर्ट होता है तो आप वो चीज़ कर सकते हो. आप अपने पेट के शांत रहें पूरे टाइम तो उससे ये होगा कि वो डरेगा नहीं और थोड़ा शांत रहेगा. मैं ये कहना चाहता हूँ और आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था. बाय द वे मैं अभी जाऊँगा तो मैं दिवाली पर व्लॉग बनाऊँगा और बस नए व्लॉग्स आएंगे. अनमोल आउट.